आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संडे दोपहर 12 बजे आ जाना, लाइव सेशन होने वाला है भूमिका मैम के साथ। IRS ऑफिसर है भूमिका मैम, हम इनसे बातचीत करेंगे ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी टफ लगती है, अब नहीं लगेगी, तो रिमाइंडर सेट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चाइना और UAE, ये दो देश पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत खत्म हो गया देश को। इमरान खान का ने इतने लोन लिए हैं, आपको पता है कि अगर पाकिस्तान अपना सब कुछ बेच दे तब भी वो कर्ज नहीं चुका पाएगा। वो बस आतंकियों को ट्रेन करता रहे, लोग मर रहे हैं वहां के, उसको कोई लेना देना नहीं है। 53 लाख करोड़ का कर्ज है। और बड़ी बात यह है ना कि पाकिस्तान मानने को भी नहीं तैयार है। समझ में नहीं आता है कि आप चाइना के पास जा क्यों रहे हो। ये रियलिटी है, दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग, देयर सिटीजन्स आर फेसिंग, यू नो दैट। और भैया लोग सड़कों पे आ रहे हैं। मोहम्मद हफीज ही है ना, क्रिकेटर जो है पाकिस्तान का, है ना, उसने ट्वीट किया था अभी जो चल रहा था पूरा का पूरा हिसाब किताब, कि ना पेट्रोल है ना पैसा ATM में, बुरी हालत है, मानते ही नहीं। 53 लाख करोड़ का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, 15 लाख करोड़ बड़ा है पिछले एक सालों में। COVID-19 था, हम सब जानते हैं, इतने बुरे हालात, इतने ज्यादा, हर देश का डूबना और ऊपर आना वो उसके हाथ में होता है। श्रीलंका एक ऐसा देश है जो अगर सही से चलता तो क्या बन जाता। तो हर देश जो है वो उसके, जैसे हर एक इंसान के उसके हाथ में होता है कि तुम अच्छे हो जाओ या बुरे हो जाओ, वो तुम्हारी करनी पे डिपेंड करेंगे। तो जैसे जी किसी देश की करनी है वैसे ही उसका जीवन होने वाला है, उसके लोगों का जीवन। अब ये देश की बात है तो देश में सब लोग रहते हैं। ये भैया लेटर वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड तो है नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो है नहीं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहने का मतलब है जब सब अलग अलग ग्रुप्स में रह रहे थे, ट्राइब्स में रह रहे थे। अब एक देश में पूरे लोग रह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग, 850 करोड़ तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, 8.5 बिलियन, समझ रहे हो। तो आप ये समझो कि पाकिस्तान में बहुत बुरी हालत है। अब 845 करोड़ का कर्ज माफ कराया फ्रांस। आप अब देखिए कितनी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपको 2021 पिछले साल याद होगा कि फ्रांस के राजदूत पे कितना बुरा प्रदर्शन हुआ था, पूरा पाकिस्तान एकदम रुक सा गया था, चार्ली हेडो कंट्रोवर्सी। उसी फ्रांस ने 845 करोड़ इनका लोन माफ किया है, आपको पता है ये चीज है। अब पाकिस्तान इज एट द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, दिवालिया हो गया है। कोई भी देश डूबेगा तो ये अच्छी बात नहीं है, और कोई भी देश चाइना के पास जाएगा ये और बुरी बात है, ये सारे देशों के लिए बुरी बात है। शी जिनपिंग फिर से लीडर बनने वाले हैं, बहुत सिक्योरिटी, बहुत टाइट है सिक्योरिटी। ये देखो कर्ज किसने कितना लिया है। PPP ने 5 साल में $16 अरब का कर्ज लिया। फिर आया भैया पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ, $34 अरब का कर्ज लिया। ये तो इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं, आपको घबराना नहीं है। 3 साल में $35 अरब। खैर मजबूरी है, मजबूरी का नाम चाइना, मजबूरी का नाम UAE, क्योंकि कोविड आ गया और फिर जो आतंकवाद में आधा इनका पैसा जाता है वो भी आ गया। तो इसलिए तो आप देखिए, ये प्रधानमंत्री इमरान खान ने बताया कि अगर पाकिस्तान खुद को भी बेच दे तब भी कर्ज नहीं चुका पाएगा। और इमरान खान ने अंदर से देखा है पाकिस्तान को, इकोनॉमी को, कि क्या हालात हैं। बाहर से तो मैं भी बोल दूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठते हो ना और जब फाइल्स देखते हो, अरे यार सरकारी खजाना खाली, अब तो मेरी बैंड बजेगी, यही हुआ है। तो आप देखिए ये व्हाट होगा, एक्चुअली वाइज नहीं होगा, ठीक है इसको। तो अब वर्ल्ड बैंक आउटलुक के हिसाब से लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ द इकोनॉमी एंड लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ लेड टू दिस। सरकारें नीतियां बनाती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 1960 का दशक चाइना का, उस समय पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी। उस समय माओ ज़ेडोंग ने बोला ये वेस्टर्न हमारे पास आएंगे, इनकी इतनी औकात है,
बाहर निकलो, हम खुद से अपनी इंडस्ट्री बनाएंगे, स्टील बनाएंगे। पूरा चाइना खत्म हो गया, खत्म हो गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप बैकवर्ड चला गया। इतनी बुरी हालत हुई कि लोग मिट्टी खाने लगे। नहीं, पहले पेड़ खाते थे, खाना बचा नहीं, पहले पेड़ खाया, पेड़ खत्म हुआ, मिट्टी खाने लगे। और फिर तो कुछ ऐसी खबरें आई, कैनिबलिज्म, लोग मरने लगे। आज तक का सबसे बड़ा जो ये मैन मेड फेमाइन है वो चाइना में आया 1960 के दशक में, सरकार की नीतियों की वजह से। लो प्रोडक्टिविटी सरकार की नीतियों की वजह से है। यही अगर पैसा पाकिस्तान सरकार जो है वो अच्छे के लिए लगाए, प्रोडक्टिविटी हो बढ़िया, सब्सिडी बहुत मिलती है, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत बेकार है इनका, रुपए लगातार इनका टूटता जा रहा है, इस समय इन्होंने पेट्रोल के दाम 235 रुपए कर दिए हैं, और ऊपर से ये डेट, ये गलत है चाइना के साथ। लेस कंड्यूसिव एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट है ही नहीं इनका कुछ, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। देखिए, चाइना हो चाहे जो हो, श्रीलंका को चाइना ने बहुत कर्ज दिया, लेकिन किसी का पैसा फालतू नहीं होता है, वो आपको एक वक्त तक कर्ज देगा, अब उसके बाद वो भी हाथ खड़ा कर लेगा कि भाई रिटर्न ही नहीं आ रहा है। आप एक बात बताओ, या तो आपके पास बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी हो कि वो मैं पकड़ लूं, मैंने आपको कर्ज दिया आप नहीं चुका पा रहे हो, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी की भी तो वैल्यू होनी चाहिए, जो आप एसेट मुझे दे रहे हो उसकी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। कुछ नथिंग इज फ्री। 48 लॉज ऑफ पावर में बहुत अच्छी बात बोली है रॉबर्ट ग्रीन ने कि फ्री लंचेस से बिल्कुल दूर रहे, अगर कोई आपके लिए मुफ्त कुछ कर रहा है तो यानी कि गड़बड़ है कुछ। तो एक्सपोर्ट्स के लिए जो कंड्यूसिव एनवायरमेंट है वो ही नहीं, रिकॉर्ड हाई ट्रेड डेफिसिट, और पाकिस्तान का रुपया जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, और फाइनेंशियल क्राइसिस इस बार की बहुत ज्यादा बुरी है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बुरी है क्योंकि चाइना को छोड़ के पहले IMF, अमेरिका और वर्ल्ड बैंक सब बचा लेते थे, लेकिन इस बार कोई बचा ही नहीं रहा, ना सऊदी अरब ना UAE, क्योंकि उन सबकी खुद बैंड बची हुई है। उसके बाद इनकी हरकतें, ये एक नालायक बेटा है, तो भैया जब बेटा ऐसा नालायक हो जाए तो उसकी मदद कौन करेगा, आप मुझे बताइए। तो इसीलिए अब देखिए भुगत कौन रहा है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी ना किसी का बुरा नहीं चाहता है। आप समझिए कि अगर पूरी दुनिया है ना, तो जो सिटीजंस है, जो नागरिक है, वो सब जगह के आमतौर पर अच्छे ही होते हैं। भुगत इनके नागरिक रहे, अब इनके नागरिक को भी सड़कों पर आना चाहिए भाई, नागरिकों को सड़कों पे आके प्रदर्शन करना चाहिए, उस इंसान को सत्ता दो ना जो इसको संभाल पाए। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस चूस रहे हैं पाकिस्तान को, आपको पता है, और इनकी आर्मी पैसा बिक रहे हैं फॉर सेल। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के बड़े टॉप लीडर्स को देश खरीदते हैं, सेल है कि जो चाइना ने पैसा फेंका लीडर्स इनके, भयानक करप्शन है। और जब ये पर्दे खुलेंगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे, पूरी दुनिया के होश उड़ जाएंगे। तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रहा है, इट इज सिग्निफिकेंट बट नॉट लिमिटेड टू चाइना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखिए, सीपेक लगा सब पाकिस्तान बदल जाएगा, ये वजह कुछ नहीं हुआ, वो अभी तक स्कीम वो वैसे की वैसी ही रहनी है, वो आगे बढ़नी भी नहीं है। अब पाकिस्तान देखिए, अब देखिए UAE और चाइना अगर मदद कर रहे हैं तो ऐसे फर्जी में नहीं कर रहे हैं। जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात अगर वो पैसा देगा तो वो कुछ स्टेक लेगा, तो पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भैया हमारे जो पब्लिक ओन्ड कंपनीज है, मतलब जैसे भारत की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ONGC, भारत सरकार का शेयर है, रेलवेज भारत सरकार का शेयर है, पब्लिक ओन्ड कंपनी जो पाकिस्तान की है, चाइना और UAE को बोल रहा है आप उसमें स्टेक ले लो, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम यही कर सकते हैं, जो हमारी संपत्ति है आप उसमें कुछ परसेंट ले लो और पैसा दे दो। ये हालात है इस समय, समझ रहे हो। अब देखिए, चाइना $2.3 बिलियन लोन दिया, लेकिन चाइना को लोन देने का मतलब यह है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मदर इंडिया देखिए आपने, उसमें मेरे मां के कंगन लौटा दे सुखी लाला, वो सुखी लाला है चाइना, समझ रहे हो। ऐसी ऐसी कंडीशन रखेगा कि तुम बिक जाओगे, पूरा खानदान बिक जाएगा, और अगले 7 जन्मों तक उसको नहीं चुका पाओगे, और फिर तुम्हारा पूरा देश हड़प लेगा, समझ रहे हो। पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रेवेन्यू मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट किया था कि किस तरीके से चाइनीज कंसोर्टियम लोन
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 24 जून को दिए जाएंगे। समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है, एक के बाद एक इतनी बड़ी गलतियां, ये दिसंबर आते आते कोलैप्स कर जाएगा। यूएई जो है भाई, देखो पहले यूएई ने पाकिस्तान को लोन दिया, पाकिस्तान चुका नहीं पाया, अब लोन नहीं दे रहा है $2 बिलियन का, बोला ना भाई हमसे ना हो पाएगा, आप देख लो अपना खुद का। लेकिन यूएई बोल रहा है कि चलो देखो लोन सब दे देंगे, पैसा आपको सब दे देंगे, लेकिन बदले में आपके पास क्या है गिरवी रखने के लिए, यह चीज है। अब यूएई ने देखिए 10-12% शेयर्स इन गवर्नमेंट ओन कंपनीज इन पाकिस्तान, ये बोला है कि हम तुमको पैसा दे देंगे लेकिन इतना परसेंट तुम्हारे जो पब्लिक ओन्ड कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है, कल को चौंकिएगा नहीं कि पाकिस्तान में आपको चाइनीज ट्रेन दिख जाए, बिल्कुल। अब देखिए चाइना ने वही है कि मार्च 2019 में भी इनको लोन दिया, और इकलौती ऐसी साउथ एशियन कंट्री थी चाइना, और वही है मदद तो की है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद $1 बिलियन सऊदी अरेबिया और यूएई से, इन दोनों से भी पाकिस्तान ने लिए बेल आउट पैकेजेस, बाकी सबने मना कर दिया था, आईएमएफ ने मना कर दिया था। सऊदी अरेबिया $6 बिलियन का, सऊदी अरेबिया ने भी बहुत तगड़ी डील रखी, अगर तुम नहीं चुका पाए तो सारा लोन वापस बुला लेंगे। सऊदी अरेबिया की भी डील बहुत ज्यादा खतरनाक थी, ठीक है, जितने भी लोन दिए हैं ना, इतनी बुरी हालत है कि अभी न्यूज आ रही थी कि शायद गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो चाइना को दे दी है। इतना बड़ा एरिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया उसका पंजाब, गिलगिट बाल्टिस्तान ये वाला देख रहे हो आप, ये इनको चाइना को दे दे। ये तक था कि इतना बड़ा एरिया जो है लोन चुकाने के लिए, लोन लेने के लिए चाइना को दे दे। हो भी सकता है ऐसा, हो भी सकता है, याद रखिए इस समय हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। ये देख सकते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में, 1947 के बाद इस इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा है, और उसका बड़ा हिस्सा चीन को गिफ्ट किया था वो 1963 शशगाम वैली, फिर उसके बाद सीपेक की शुरुआत इसी इलाके से होती है। ये तो आप देख ही सकते हैं भैया, जो हमारे खुदाई खिदमतगार है ना, किनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है जरा कमेंट बॉक्स में बता दो, यहीं से आते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत गरियाया था उन्होंने उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो चाहते थे कि वो भारत के साथ आए, तो उन्होंने बोला कि आपने भेड़ियों को उनको सौंप दिया है, बोला था उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इकोनॉमिक एडवाइजर डिवीजन इन्होंने ट्वीट किया कि डेट सर्विसेज सस्पेंशन एग्रीमेंट विद फ्रेंच रिपब्लिक सो दैट लोन्स ऑफ $107 मिलियन वुड बी सस्पेंडेड। डेट सर्विस सस्पेंशन एग्रीमेंट, कागज होता है, पैसा नहीं हमारे पास, कुछ टाइम के लिए इसको सस्पेंड कर दो या फिर लोन को माफ कर दो। फ्रांस ने इनका लोन थोड़ा माफ किया है, जापान इनका लोन थोड़ा सा माफ किया है, क्योंकि पता है ना कि भाई ये कहाँ से दे पाएंगे। IMF ने ये कंडीशन रखी हुई है, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को बढ़ाओ। अब देखिए IMF की कंडीशन भी खुदकुशी है, IMF ये सब यार कैपिटलिस्ट कंट्रीज के ग्रुप हैं। अब ये क्या ना, ये लोगों की प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम एकदम गरीब हो, और मैं बोल रहा हूं कि सुनो अपना रहन सहन ऐसा करो जैसे राजा रहते हैं। बोले भाई कहां से पैसा लूंगा मैं, IMF की भी गलती नहीं, वो पैसा दे रहा है। तो IMF कह रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाओ। अब आप मुझे बताओ, पेट्रोल के दाम बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ा है, लेकिन जहां पे एम्प्लॉयमेंट 25% है पाकिस्तान में, वहां पे ये सब बढ़ाने से कोई फायदा है? लोग और गुस्साएंगे, यही हो ही रहा है। 50 रुपए लीटर ये पेट्रोलियम भैया टैक्स में छूट जो सब्सिडी देती है उसको कम करो और टैक्स भी बढ़ाओ, ये चीज है। फिर एंटी करप्शन बॉडी, ये बहुत सही बोला है, भयानक करप्शन है पाकिस्तान में, इतना करप्शन है कि मतलब क्या ही बताए। और उसके बाद फिर जो है वो जो $6 बिलियन इनका जो है लोन, सॉरी $2 बिलियन का, तब वो इसके बाद सोचेंगे, लेकिन अभी तक IMF ने लोन नहीं दिया है। FATF में भी पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है, 27 में से 26 पॉइंट्स पे तो उसने अमल किया, लेकिन एक पॉइंट टेरर फाइनेंसिंग पे अमल कर ही नहीं पाया है। तो अभी बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की, आप ये समझिए। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।